जो सीख पराठा है बहुत ही बेहतरीन है, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है, खाने में भी काफ़ी टेस्ट था और यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है। तो मैं सुना था कि लाजवाब सीख पराठा बहुत अच्छा है, तो चलो आज खाकर आ जाओ। आया खाकर और लाजवाब, वाकई में लाजवाब। यहाँ पे हमने चिकन का भी सीख पराठा खाया है, अपना बिल्कुल भी खाया है, माशाल्लाह अच्छा टेस्ट भी है, पराठा भी अच्छा है और रिजनेबल भाव भी पड़ता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर आप कुरला में हो तो कुरला का सीख पराठा जरूर ट्राई करना। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का मेरे एक नए फूड ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा कि सीख पराठा बनता कैसे है और कस्टमर का रिस्पांस क्या है सीख पराठा टेस्ट करने के बाद। गाइस मेरे साथ ज्वाइन करें नदीम भाई जो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। पे आपका टाइमिंग कितना है? मेरा मॉर्निंग 4 o'clock टू इवनिंग मिडनाइट चलते रहता है। मिडनाइट ओके। तो मुझे पूछना था, तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि सीख बन रही है, तो एक टाइम पे कितना सलिया बनता है, मतलब एक टाइम बोले तो एक सिगड़ी में हम लोग कम से कम 40 सलिया लगता है। टोटल कितना सलिया रखता है? एक ही सिगड़ी में हम लोग है ना, सिगड़ी के ऊपर 40 सलिया होता है। हाँ? वो होता है, निकलते और धोते रहते हैं, ऐसा साफ होते रहता है। वैसे 100 सलिया 150 सलिया ऐसा। अभी जो लगा है वो बीफ का है और चिकन का, जैसे जरूरत रहेगी तो चिकन का भी रहता है। ये नीचे चिकन का है, नीचे है वो चिकन का है, ऊपर है और सब अलग अलग है। अपने पास सलिया सबका अलग है, चिकन का अलग है, चिकन का सलिया अलग है और बीफ का सलिया अलग है। हाँ बीफ का सलिया है वो मोटा है और चिकन का सलिया थोड़ा पतला है। अपने दोनों कास्ट के आदमी लोग आते हैं, अपने मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं खाने पीने के लिए, तो उनके लिए अपन अलग अलग रखते हैं इसके लिए। और पराठा कैसे बनते हैं बताएंगे? पराठा देखो, ये इसमें पराठा है अपना, ये अपना कच्चा पराठा है। अच्छा कच्चा पराठा है, अपने इधर ही पूरा बनता है, पूरा पराठा अपने इधर ही बनता है। यहाँ पर आके अपन उसको ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। एक टाइम में हमने 10-10, 12-12 पराठे निकालते रहते हैं। ये सब अपना होममेड है, होममेड है, ये बाहर से अपने कुछ भी नहीं आते, सब होममेड। अपन कीमा भी है ना, अपन यहाँ पर ही बनाते हैं, सब यहाँ पर ही करते हैं। पूरे दिन में कितना बनता है? क्या पूरे दिन में कम से कम नहीं तो 3,000-4,000 पराठे जाते हैं। 3,000-4,000 सलिया कितना जाते हैं? सलिए का तो कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब नहीं है कोई, मतलब 500 क्रॉस होता होगा, ज्यादा ज्यादा 500 से ज्यादा जाता है, मगर उनके साथ अपना अंदाज नहीं है, अंदाजा नहीं है। अच्छा आपको मतलब 500 मतलब जाता है, जो बहुत जाता है। तो एक टाइम में सोचो ना आप, अभी एक टाइम में कम से कम 60-70 सलिया लगता है, 50-60 सलिया लगा हुआ है, तो ऐसा भरते आदमी रुकता नहीं है, आदमी का काम चल ही रहा है। A few minutes later, ऐसा लगा आपको लाजवाब का सीख पराठा? ठीक था, अच्छा लगा। कितना देंगे 10 में से? 10 में से 7 देंगे। और जो सीख पराठे के मतलब आपने क्या टेस्ट किया मुझे बताएं, बीफ या चिकन? मैंने बीफ खाया। कैसा लगा आपको? एवरेज था। नहीं नहीं बोला ना भाई, रावस अच्छा लगा भाई, रावस बना। आपने क्या टेस्ट किया, चिकन या बीफ? बीफ अच्छा है, थोड़ा पराठा भी करा के तो अच्छा बना है, सेक भी अच्छी है भाई, और कुछ नहीं। सलिया क्या, सलिया गर्म ही रहेगी। और आउट ऑफ 10 कितना देंगे सीख पराठे को? 7। सीख पराठा बहुत मस्त लगा भाई। क्या आपको अच्छा लगा सीख पराठे में? बीफ बीफ आपने टेस्ट किया? हाँ भाई।
आउट ऑफ 10 कितना देंगे सीख पराठे को? आउट ऑफ 9 दूंगा भाई। 9 देंगे? हां भाई, आपको ज्यादा पसंद? बहुत मस्त है भाई। को देख रहे उनको क्या मैसेज देना चाहिए? भाई आके एक बार ट्राई करो, बहुत मस्त है और सर्विस भी अच्छी है भाई। बिग कोला भी अच्छा लगा और सीख पराठा भी अच्छा है भाई, एक नंबर है। पराठा में क्या अच्छा लगा? बीफ के चिकन? चिकन चिकन नहीं खाया मैं, बीफ ही अच्छा लगा। चिकन नहीं खाते? हाँ चिकन नहीं खाते, बीफ खाते। आउट ऑफ 10 कितना देंगे? 8 ले लो। 8 तो मेरा सीख पराठा दोनों आ चुका है, ठीक है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए पराठा है, पराठा है 25 रुपीस का। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये जो है ये है बीफ और ये है चिकन, इसका है 50 रुपीस बीफ का और चिकन का है 70 रुपीस। तो गर्मा गर्म है तो ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे देखो नींबू चटनी पुदीना के साथ दिया है, ये अपना गया नींबू। और ये है पुदीना, पुदीना का भी साथ में रखता हूँ। और ये है अपना पराठा, पराठा टेस्ट किया पहले, बीफ चटनी में गया, मजा आ गया। ये देखिए गर्मा गर्म पूरा चटनी के साथ, चटनी बराबर है, एकदम चटपटी चटनी। यहाँ पे पुदीना भी है, मजा आ गया। मैं तो सभी को रेकमेंड करूंगा यहाँ पे आके खाने के लिए। देखो चटनी का, देखो अभी टेस्ट करूंगा चिकन, ये देखो चिकन का, देखो पहले जो था वो बीफ था, अभी ये चिकन है। देखो चटनी, मजा आ गया। मजा आ गया, देखो चिकन है ये, चिकन जब आता चटनी के साथ और जाएगा। कांदा भी है, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, कैसा लगा आपको लाजवाब का सीख पराठा? देखिए ऐसा है कि आपका जो सीख पराठा है बहुत ही बेहतरीन है, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है, खाने में भी काफी टेस्ट था और यहाँ की सर्विस भी काफी अच्छी है, बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हुए हम लोग आके। आपने क्या टेस्ट किया? हम लोगों ने सीख पराठा मंगाया और ये सलाद है, कांदा है, चटनी, चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, एकदम चटपटी टाइप की, जैसा लोगों को चाहिए, लोगों की जो भावना है वो यहाँ है, अवेलेबल है, लाजवाब पे। तो क्या नाचोगे? आउट ऑफ 10 सीख पराठा को कितना देंगे? 10 से मेरे तरफ से तो मैं 100 दे दूँ, इतना टेस्टी लगा। अच्छा, हाँ बहुत बहुत। और आप कस्टमर जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे उनको क्या मतलब बताएंगे फूड की रिगार्डिंग? मतलब एक बार आके देखना चाहिए, जैसे कि नवाब है और भी बहुत से है, यहाँ का भी बहुत मुझे पसंद है। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो आपका सीख पराठा का नाम सुना था मैं, तो मेरी फैमिली को मैं लेकर आया कि लाज आपका सीख पराठा चलो लेके। हाँ फैमिली के साथ आया, मेरी फैमिली है, तो मैं सुना था कि लाज आपका सीख पराठा बहुत अच्छा है, तो चलो आज खा कर आ गए। तो आया खा कर और लाजवाब, वाकई में लाजवाब है। हाँ वाकई में हमने सीख और पराठा मंगाए और साथ में कांदा पुदीना और ठंडा वगैरह भी पिए, खासकर तो सीख पराठे के लिए हम लोग आए थे। बहुत टेस्टी लगा, मजा आया खा कर, एकदम आउट ऑफ 10 सीख पराठा को 10 on 10। मसाला अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है खाने के लिए। मैं इसमें मैं फ्रेंड लोग में रुचा बना के गया था, ऐसा लगा कि फैमिली को लेकर पूरी मेरी फैमिली है, आप भी फैमिली, ये भी मेरी फैमिली है। अच्छा बोला चलो एक बार खा के देखो तुम लोग। ऐसे होटल में बहुत गए लेकिन मैं पहले जब फ्रेंड लोग सब में आया तो अभी 4 दिन पहले भी आया था मैं दोस्तों के साथ में, तो ऐसा लगा कि फैमिली को लेके आओ, फैमिली का प्लान बना के अच्छा लेके आया। तो यहाँ के रेगुलर कस्टमर? हाँ मैं मेरे फ्रेंड लोग आते हैं हम लोग हमेशा।
हमारे जितने फ्रेंड लोग हैं, जितने अच्छे लोग हम लोग सर्कल में है, तो किसी बर्थडे हुआ या कुछ मन किया पार्टी किया जाता है, हम आते हैं खाने के लिए। आपने क्या टेस्ट किया? यहाँ पे हमने चिकन का भी सीख पर खाया है, अपना बीफ का भी खाया है, मसाला अच्छा टेस्ट भी है, पैटर भी अच्छा है और रिजनेबल भाव भी पड़ रहा है। और जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग फूड? भाई ऐसा है कि अपनी फैमिली को लेकर सुकून से खाने लग है, मतलब कुछ धंधी नहीं है, आपका सर्विस भी अच्छी है, मसाज सर्विस भी अच्छी है कि आपको टाइम टाइम से मिल जाएगा आपको गर्म गर्म खाने का भी टेस्ट। न्यू लाजवाब सीख पराठे को आउट ऑफ 10 आप कितना देंगे? 100 तो देना चाहिए, 100 देना चाहिए, देना चाहिए भाई, क्योंकि अभी लाजवाब है, रीजनेबल भाव में भी है, हमने हर होटल में गए हैं लेकिन पैसे के मतलब भी टेस्ट वैसा नहीं मिलता। राइट राइट, ठीक है, आपको दोनों यहाँ पे चीज देखा, आपको वो भी लगा कि फैमिली को हम घर लेके आते हैं कि हमारे रीजनेबल भाव में को पड़ जाएगा, बच्चों मतलब खुश भी हो जाएंगे। राइट, नहीं तो क्या बहुत से जो आदमी किसी हिसाब भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र अपने ऊपर है, वैसे बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ 19-20 मसला हो, आने में सोचना पड़े उनको कि भाई कितना होगा तो कितना, आप समझ सकते हो अल्लाह में आपको ऐसा बोल रहा है, तो इस चीज़ को भी इंसान मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई कितना में क्या है अपना हिसाब से, एक बार नहीं समय अगर नीचे के पूछ लिया गले भाई क्या भाव चल रहा है प्लेट के हिसाब से, उनके अंदर खा के निकल सकते हैं आराम से, वैसा है कि उनको मतलब बेस्ट रहेगा। नहीं तो बहुत जो जाओ इंसान सोचा कि इतने हो जाए मेरा कुछ चोट पड़ गया तो इंसान सोचता है, वैसे नहीं, बच्चे लोगों को सब सुकून से जो भी खाना पीना खा दो। आपने कैसे स्टार्ट किया लाजवाब सीख पराठा? ये कैसे मालूम, पहले यहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी, अच्छा 2016-2015 में एक छोटी सी दुकान थी, उसको फिर दुकान चली नहीं, वो तो बाद में अपने पास एक उस्ताद आए जो पहले मतलब दूसरी जगह काम करते थे, तो उस्ताद आए, उस्ताद आने के बाद वो बोले कि मैं चालू करता हूँ, मैं चालू करने के बाद बोले तो माशाल्लाह ऐसा चलने लगा, पहले 10-12 आदमी लोग थे, अभी माशाल्लाह कम से कम 27-28 आदमी लोग है अभी अपने पास। तो जब आपने स्टार्ट किए थे तब वो टाइम पे कितने लोगों की टीम थी? 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग थे। और अभी कितने की टीम है? अभी 27 से 28 लोग है। 27 से 28 लोग, हाँ। कैसा मालूम, अपना ऊपर भी है। अच्छा, पहले यहाँ पर 3 टेबल है, पहले यहाँ पर तक टेबल लगते थे, पहले ऊपर नहीं था, तो पहले खाली यहाँ पर ही 6 टेबल लगते थे, तो सीढ़ी लगी है ना उधर, वहां से वहां तक 6 टेबल लगते थे, तो अभी फिर किसान ऊपर चालू हो गया ना, तो ऊपर भी ऊपर कम से कम नहीं तो 22-23 टेबल है ऊपर खाने के लिए, और फैमिली रूम में अलग है 10-11 टेबल फैमिली रूम में। अच्छा, फैमिली रूम भी? हाँ, फैमिली रूम है, फैमिली रूम के बाहर जो है, बाहर अपना बॉयज लोग के लिए है और ऐसे ग्रुप लोग आते उनके लिए है, और वहाँ पर 12-13 टेबल है ऐसा कुछ, टोटल ऊपर 22-23 टेबल है और नीचे कम से कम 3 टेबल है ये। अच्छा, बाकी अपने उस्ताद लोग है, बाकी ये जो सीख वाले निकालते वो लोग है सब। पर डे कितने कस्टमर आते हैं? पर डे कम से कम नहीं तो क्या कम से कम नहीं तो 20,000 के ऊपर ही आते हैं। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को रिगार्डिंग फूड? सर कैसा मालूम है, कहते हो अपना सीख पराठा खा के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि अपना कैसा है, लाजवाब कैसा है अपने को, बाकी दूसरी जगह सब खा के देख लिया अपने, जो भी नहीं खाया होगा यहाँ पर खा के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ टेस्ट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेस्ट, जो भी खाता है वो यही बोलता है कि भाई अपना अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट लाजवाब का एकदम एक नंबर है, न्यू लाजवाब, लाजवाब नहीं न्यू लाजवाब का टेस्ट एक अलग ही है बोले। इसके लिए पराठे का भी टेस्ट है, पराठा भी अपना माशाल्लाह और ज्यादा फैल भी नहीं है, एक गरीब आदमी भी खा सकता है, 25 रुपए का सीख है, 25 रुपए का पराठा है, कोई भी गरीब आदमी भी आके खा सकता है। मुझे पूछना था जब आपने स्टार्ट किए वो टाइम पे सीख पराठे का तो चार्ज कितना करते थे? उस टाइम पे हम लोग का 20 रुपीज था, 20 रुपीज था उस टाइम पे, और अभी फिलहाल 25 हो गया, तो माल का भाव भी बढ़ गया है, सब चीज का भाव बढ़ रहा है। तो वो टाइम पे सीख का क्या मतलब था चार्ज? 20 रुपीज सीख था और 20 रुपीज पराठा था। अच्छा, और अभी क्या चल रहा है? अभी 25 रुपीज है सीख है और 25 रुपीज पराठा है। अच्छा, मतलब एक सलिया जो लेंगे ना, एक सलिया 50 रुपीज का है। और अब मैं आपको बोलता हूँ जो भी खा के देखेगा ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अपना कंप्लेंट नहीं आई है, क्योंकि मैं भी बताया मैं भी आपका बहुत पुराना कस्टमर हूँ जी, इसलिए क्योंकि यहाँ का टेस्ट मुझे बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो यही लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे एक बार आके टेस्ट करके जाओ, लाजवाब न्यू लाजवाब सीख पराठा। ऐसा मैं यहाँ पर मैनेजमेंट संभालता हूँ, 3-5-6 साल हो गया मैनेजमेंट संभालता हूँ यहाँ पर, मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी,
कोई बोले अब चटनी नहीं कांदा नहीं है, हाँ लो एक्स्ट्रा चाहिए लेके जाओ, नाराज मत हो। बराबर ऐसा अपने घर आते हैं पब्लिक खाने पीने के लिए, कोई बोलेगा तो अपने अच्छा नहीं लगता है। बराबर इसके लिए अपन सब देखते रहे, आदमी लोग को देखते है, सब मैनेजमेंट अपन पूरा अपन संभालते है इसके लिए। और ऊपर भी है अपना अलहमदुल्ला खाने पीने के लिए कोई टेंशन नहीं, एक लड़के को आवाज दूंगा कोई भी सब तुरंत काम वाम कर देते। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने अपना कीमती समय दिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी है भाई रिव्यू अपना सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, सब करो, थैंक यू। आई होप सीख पराठा का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को व्हाइट बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे फॉलो नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए मुझे फॉलो कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।